भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए अगले कुछ समय में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है। टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली के अक्टूबर नवंबर में यूएई और ओमान में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद वनडे और टी20 के कप्तानी से हटने की उम्मीद है और उसके बाद रोहित को लिमिटेड ओवर्स में टीम इंडिया का कप्तान बनाए जाने की संभावना है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने द टाइम्स ऑफ इंडिया से इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने कन्फर्म करते हुए कहा कि 32 साल के विराट कोहली जो इस समय सभी फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं और भारत के अब तक के सबसे सफल कप्तान हैं, उन्होंने 34 साल के रोहित शर्मा के साथ कप्तानी की जिम्मेदारियों को शेयर करने का फैसला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विराट ने पिछले कुछ महीनों में रोहित और टीम मैनेजमेंट के साथ इस मुद्दे पर लंबी चर्चा की है। सूत्रों ने कहा है कि तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी के दबाव के चलते विराट की बल्लेबाजी पर असर पड़ रहा है। विराट का भी मानना है कि सभी फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी को अधिक समय और अधिक स्पीड की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विराट खुद इसका ऐलान करेंगे, वो अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देने की जरूरतों से अवगत है, इसलिए दुनिया का सबसे बेस्ट बल्लेबाज कहा जाता है क्योंकि उन्हें अपनी बल्लेबाजी के बारे में पता है। 2022 और 23 के बीच भारत को 2 वर्ल्ड कप खेलने हैं, ऐसे में विराट की बल्लेबाजी काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों ने आगे ये भी कहा कि कप्तान कोहली को भी लगता है कि सभी फॉर्मेट में कप्तान के रूप में उनकी समग्र जिम्मेदारियां उनकी बल्लेबाजी पर भारी पड़ रही हैं, इसलिए उन्हें खुद को तरोताजा रखने की जरूरत है क्योंकि उनके पास टीम को देने के लिए अभी बहुत कुछ है। अगर रोहित लिमिटेड ओवर्स में टीम की कप्तानी संभालते हैं तो विराट टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी करना जारी रख सकते हैं और साथ ही वो टी20 और वनडे में भी बल्लेबाजी पर काम कर सकते हैं। वो अभी सिर्फ 32 साल के हैं और उनकी फिटनेस को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो भी आसानी से कम 5-6 साल और टॉप क्रिकेट खेलेंगे। विराट 2014 में धोनी के इस्तीफे के बाद भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान बने थे। इसके बाद धोनी ने 2017 में सभी फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था और फिर विराट को ही टेस्ट के बाद टी20 और वनडे का कप्तान बनाया गया था। विराट ने अब तक 65 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है जिसमें उन्हें 38 जीते हैं। वहीं वनडे में उन्होंने 95 मैच में टीम इंडिया को लीड किया है और 65 में टीम इंडिया को जीत ली। विराट ने साथ ही 45 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की जिसमें 29 मुकाबलों में भारत को जीत मिली। ऐसे में विराट कोहली अगर रोहित को यहाँ पर विराट कोहली को अब रोहित शर्मा को हम कप्तानी देते देख सकते हैं। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।